आइए बढ़ते हैं अब जी बिजनेस की बड़ी मुहिम की ओर। चाइनीज कनेक्शन वाली डिजिटल लेंडिंग एप्स पर सख्ती लगातार जारी है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने रिजर्व बैंक से इन लेंडिंग एप्स से जुड़ी एनबीएफसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता ब्रजेश कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, लगातार जी बिजनेस की इस हफ्ता वसूली मुहिम का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इस बार लेंडिंग एप्स पर सख्ती ईडी की तरफ से कार्रवाई की बात यहां पर की गई है। आपसे समझना चाहेंगे इस पूरी मुहिम और इस पूरी खबर का कैसा असर देखा जा रहा है। बिल्कुल, अगर देखें तो जी बिजनेस ने 2020 में और 21 में इस मामले को काफी जोरदार तरीके से उठाया था, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में जो है लोगों को जो ऐसी डिजिटल लेंडिंग कंपनियों के रिकवरी एजेंट हैं बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। जी बिजनेस ने इस पूरी मुहिम को उठाया था, इस पूरे शोषण को दिखाया था कि किस तरह से ये काम चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बाद रिजर्व बैंक ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की थी और बाद में व्यापक तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसकी जांच शुरू की थी और उस जांच में कई सारी चीजें पाई गई थी। जैसे ये पाया गया था कि जो बहुत सारी बड़ी बड़ी तादाद में छोटी छोटी एनबीएफसी का लाइसेंस जो जिन लोगों को लेकर जिनके पास है, बहुत सी ऐसी कंपनियां खुली हुई हैं रिजर्व बैंक की परमिशन से, एनबीएफसी जो करती कुछ नहीं है लेकिन उनके लाइसेंस का इस्तेमाल लेकर के बहुत सारी फिनटेक कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के आधार पर लोन बांटती हैं, और असल में ऐसी बहुत सारी कंपनियों का जो कंट्रोल है वो चीनी नागरिकों के हाथ में है या दूसरे विदेशी नागरिकों के हाथ में है और वो बड़े पैमाने पर शोषण करते हैं। तो ये पूरी इस पूरी जांच को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिपोर्ट बना करके रिजर्व बैंक को सौंपा था और ये कहा था कि ये इसमें से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रिजर्व बैंक के नियमों तक का उल्लंघन करती हैं, ऐसी एनबीएफसी हैं, जैसे कि नेट ओन फंड जो है वो 2 करोड़ रुपए है, उसके ऊपर एक लिमिट होती है कि कितना नेट ओन फंड के कितने मुकाबले के बराबर लोन बांट सकती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियों में ऐसा पाया गया था कि सैकड़ों गुना नेट ओन फंड जो है उसके सैकड़ों गुना ज्यादा लोन बांट रही थी। तो इस बारे में भी रिजर्व बैंक को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जानकारी दी थी और एक पूरी लिस्ट बना करके सिफारिश की थी कि ये कंपनियां हैं जहां पर चाइनीज नागरिक हैं जो इसको एक पूरी तरह से चला रहे हैं और एनबीएफसी केवल मुखौटे के तौर पर काम कर रही हैं, दिखावा कर रही हैं। तो इस बारे में रिजर्व बैंक को कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके बाद हमने ये देखा था कि जो कैशबीन एप्लीकेशन है उसकी पैरेंट कंपनी का लाइसेंस रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया था और आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत इस तरह की कार्रवाई रिजर्व बैंक की ओर से की जाएगी जो ईडी की तरफ से सिफारिश की गई उसके आधार पर।